नामकरण हुआ उसकी 50वीं साल की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में और जीरो में शुरुआत करके हम ईटानगर में 20 परिवार को खत्म हुआ। इस जो 50 साल में 1970 से लेकर आज 2022 के दौरान हम चश्मदीद गवाह है। जब मैं यहाँ सेपा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, मुझे यहाँ से ईटानगर जाने के लिए ऑनरेबल सर यहाँ से मुझे जाने के लिए हमको 15-16 घंटा लगता था। आज मैं यहाँ से ईटानगर जाने के लिए हमें सिर्फ 3.5 घंटा लगता है। यहाँ पे अपना ही कामिंग क्षेत्र के एक विधायक हूँ मैं भी, और इस इतना सुंदर गोल्डन जुबली ओकेजन पे मैं यहाँ पे आया और खाली हाथ आप लोगों को कुछ दिए बिना खाली जाने से तो हमको भी सेटिस्फाई नहीं होगा। सो इसलिए अभी मामा नाथुम जी ने यहाँ पे दो तीन विषय के ऊपर में यहाँ पे जो बात रखा, एक हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आप सबका जो परेशानी हो रहा है। अभी रिसेंटली किरण रिजिजू जी आपके नुकुम में यहाँ पे आए तो शायद उनके साथ भी डिस्कस हुआ। मैं राज्य सरकार से प्रस्ताव बना के केंद्रीय सरकार से इसको अप्रूवल के लिए हम जरूर हम इसको करेंगे। और सेकेंड में जो सर्किट हाउस है, यहाँ में सर्किट हाउस एक अच्छा होना बहुत जरूरी है। अभी भी सर्किट हाउस में जो फंड दिया है, इस बार भी मैंने एडिशनल फंड भी दिया हुआ है। उसके अलावा और एक नया सर्किट हाउस भी मैं आप लोगों को इस आने वाला बजट में हम दे देंगे। और यहाँ पर अभी मामा जी ने बताया कि ऑडिटोरियम का भी हालत बहुत खराब है। मैं जब टूरिज्म मिनिस्टर था तो यहाँ पे एक कॉलेज का फंक्शन में एक बार आया था, तो शायद उसी वही ऑडिटोरियम, पुराना ऑडिटोरियम को अभी तक यूज कर रहे हैं बोल के बताया। तो चीफ मिनिस्टर बन के करीबन 6 साल हो रहा है, मगर मेरा भी दिमाग में को भी आया नहीं कि आप लोगों का यहाँ पे एक अच्छा ऑडिटोरियम होना चाहिए। तो एनीवे उसके लिए मैं भी माफी मांगता हूँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑडिटोरियम हम अभी सेंक्शन करके देंगे। और साथ साथ अपना सेपा जो है हेडक्वार्टर है यहाँ पे, हमारा यहाँ के विधायक अपना तपक ताकू जी और हमारा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलिंग तालांग जी, उन दोनों का कॉमन रिक्वेस्ट ये है कि इस टाउनशिप रोड को भी पूरा अच्छी तरह से ठीक किया जाए। तो मैं आप दोनों का ऑन देयर बिहाफ सरकार के ओर से मैं आप सबको आश्वासन करता हूँ कि आपका रोड भी हम आने वाला दिनों में फर्स्ट क्लास रोड बना के दे। मद्देनजर रखते हुए हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मैं इस कमिंग की ओर से एस अरुणाचली। Let us proceed to the next agenda. I would like to call CEO of Smart City, Shri Dai Sangnoji, to deliver word of thanks. Thank you very much. With the speech of our chief guest, the program concludes for this ground today. And I, on behalf of the organizing committee and also the people of this common district, would like to extend a special thanks to our honorable chief minister, Sri Pema Khandu ji, for consenting to be the chief guest of today's functions. In fact, he made his promise way back in the month of December when we visited him, and today he has proven that he is a man of his word. And also I would like to extend my special thanks to Sri Taba Tedu ji, the honorable minister for education and the department of indigenous affairs. And alongside, I also like to thank Sri Tamir Fasan, the mayor of Ittanagar municipal corporations, for joining us today. And also Mr. A. Mishra, SOS for BJP, Sri Satish Golcha, director general of police, Sri Tadir Yadi, Srimati Tadir Yadir, vice chairman of DC Festival Council, Brigadier Singh, and all the dignitaries present on the desk. Thank you very much. And also I want to thank the culture troops, the media team, and everyone for everything. Thank you very much.